हेलो दोस्तों दोस्तों, और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ESP32 और 16 चैनल का रिले का वेब बेस एप्लीकेशन की का सेटअप किया है। इस ऐप से आप मोबाइल से भी अपना ESP32 कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऐप बनाया है मैंने, ये इसे आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे 16 चैनल का पूरा सेटअप है। अभी डेमो के लिए मैंने 4 कनेक्ट किया हुआ है और ESP32 16 चैनल रिले आप कंट्रोल कर सकते हैं विथ मोबाइल के ऐप से। तो इसे कैसे करना है इसका पूरा डेमो देखेंगे, कैसा सेटअप और कैसा कोडिंग करेंगे ESP32 का। तो चलिए इसका सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ESP32 का पूरा स्केच रेडी किया है। यहाँ पर आपको वाईफाई का और ESP वेब सर्वर का दो लाइब्रेरी डाउनलोड करना है। यहाँ पर मैं पहले से डाउनलोड करके रखा है और सेटअप भी किया है। आपको जितने रिले चाहिए यहाँ पर आपको करना है। जैसे कि मैं 14 रिले यूज़ किया है तो 14 डाला है। आपको 4 चाहिए तो आप इधर 4 कर सकते हैं। और यहाँ पर GPIO पिन के लिए जो पिन से आपको कनेक्ट करना है रिले को यहाँ पर मेंशन करना है। जहाँ पर मैं देख सकते हैं आप 2 4 5 ये सब रिले के कनेक्टिंग के लिए यहाँ पर नंबर डाले हुए हैं। और यहाँ पर रिले नेम रहेगा, कौन से रिले पे क्या ऑन ऑफ होगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वो सब यहाँ पर लिखा है। उसके बाद में आपको वाईफाई का जो भी आपका नेम है वाईफाई का और उसका पासवर्ड देना है। और सबसे बेस्ट कि आपको यहाँ पर स्टार्टिंग IP कॉन्फ़िगर करना है ताकि ये बार बार चेंज हो जाएगा तो आपको इसका एक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग IP डाला है अपने रेंज का। आपका भी जो भी रेंज है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको डालना है। मेरा 0 डॉट का सीरीज है तो मैंने यहाँ पे 0.102 डाला है। गेटवे डालना है, सबमिट और DNS आप डाल सकते हैं। बाकी आपको सेम रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बस आपको ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करके इसे सीधा अपलोड करना है। आपको यहाँ पे मॉडल लेना है आपका जो भी है बोर्ड का, सिलेक्ट करके पोर्ट नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको सीधा अपलोड करना है। बस यही एक स्केच है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड करके सीधा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसे अभी लगा के लेता हूँ पूरा और फिर आपको एक बार डेमो दिखाता हूँ। तो कंप्लीट सेटअप हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 होल्ड के रिले ESP32 से ऑन किए हैं और 5 होल्ड के आउटपुट से ये बड़े वाले रिले नीचे के ऑन किया है 16 एम्पेयर के, ताकि इसका एम्पेयर कैपेसिटी ज़्यादा है और ये जलेंगे नहीं है। पूरे 16 चैनल है लेकिन मेरे को 14 चैनल की ज़रूरत थी तो 14 चैनल मैंने कॉन्फ़िगर किए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ESP32 अपना वाईफाई से कनेक्ट है। अभी लोकल नेटवर्क के अंदर कहाँ से भी ऑपरेट आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार डेमो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 14 चैनल अपने कंप्लीटली ऑन हो गए हैं, परफेक्टली काम कर रहा है दोस्तों। ये छोटे रिले से बड़ा रिले ऑन हुआ है।
और अपना ये नीचे एमसीबी लगे हुए मैनुअली ऑन के लिए। अगर इसके अंदर कुछ इशू आता है, ESP32 ऑफलाइन होता है या कुछ होता है, तो यहाँ पर आप मैनुअली एमसीबी ऑन करके लाइट को ऑन कर सकते हैं, और ये लोकल नेटवर्क के अंदर कहाँ से भी काम करेगा दोस्तों। तो ये ऑटोमेशन वाला वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों कोई अच्छा सा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।